भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस आलाकमान नाराज, अंधेरे में रखा हरियाणा को लेकर हुई बैठक नहीं बुलाई गई। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के अंदर की कलह सामने आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस नेतृत्व नाराज बताया जा रहा है, उन्हें बैठक में भी नहीं बुलाया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के अंदर की कलह सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस नेतृत्व नाराज है, पार्टी नेतृत्व नतीजों से निराश है। कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वास्तविक स्थिति को लेकर नेतृत्व को अंधेरे में रखा। पार्टी आलाकमान को लगता है कि हुड्डा ने नेतृत्व को वास्तविकता से दूर रखा है। हरियाणा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के घर कल हुई बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पीसीसी अध्यक्ष उदय भान को बैठक में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि पार्टी नेतृत्व को पहले से एहसास था कि दोनों हार के क्या तर्क देंगे। पार्टी की ओर से किसी औपचारिक तथ्यान्वेषी समिति की घोषणा करने की संभावना नहीं है। वे हो सकते हैं कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को अनौपचारिक रूप से तैनात करें, साथ ही हरियाणा के नेताओं से अलग से मुलाकात की संभावना नहीं है। इस समीक्षा बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं कोसा अध्यक्ष अजय माकन तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दो अन्य पदाधिकारी थे। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े क्योंकि वह पिछले कुछ सप्ताह से अस्वस्थ हैं। राहुल गांधी जवाबदेही तय करने के लिए गंभीर, सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस चुनाव परिणाम के कारणों के तह तक जाने का और जवाबदेही तय करने को लेकर गंभीर हैं। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान अजय माकन ने कहा कि आप लोग यानी मीडिया भी इस बात को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे।